हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज के इस वाले वीडियो में आपको सीएस रैंक का एपिसोड शो करने वाला हूँ। मैं कैसे ग्रैंड मास्टर पुश करता हूँ, ये पहला एपिसोड होने वाला है मेरे चैनल में। बढ़ते हैं पहले वाले गेम की ओर। पहले वाले गेम में हमारा एक एक राउंड हो गया था, उसके बाद ये क्लॉक टावर वाला राउंड आया। मैं सीधा क्लॉक टावर के घर के छत के ऊपर चढ़ गया और सामने एक बंदा था। मैंने उसको स्पॉट किया था, बट उसको मैं फायर नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो पीक नहीं दिया रहा था। बट जब पीक दिया, मैंने पूरा बॉडी भर के उसको पूरा फिनिश कर दिया। वैसे भी वो जोन में फिनिश होने वाला था, इसलिए मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। मैंने अपने आप को पूरा हील किया और दूसरे एनिमी को फोकस करने लग गया। जोन चल रहा था, फिर भी मैं कंफर्म कर रहा था कि सामने से कोई बंदा आएगा या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा पीक लेके देखने की कोशिश किया कोई आ रहा है क्या नहीं। बट उसके बाद मुझे थोड़ा सा फायर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे दो बंदे हैं। मैंने एक को पूरा बॉडी स्पैम मारा, वो बंदा डाउन नहीं हो, उसका कैरेक्टर आया था, एक को और डाउन कर दिया। और लास्ट वाला बंदा कहाँ पे है उसका मुझे लोकेशन पता नहीं था, बट वो आखिर में दिखा और उसको मैंने विजन से स्कोप ऑन ऑफ करके ड्रैग कर दिया, उसका हेड पे लगा सीधा। तो ये गेम हम लोग ने जीत लिया और बढ़ते हैं अगले वाले मैच की ओर। इस वाले मैच में पहले ही 2-0 का स्कोर हो गया था, एनिमी का 2 पॉइंट हो गया था और मैंने इस वाले राउंड में ओम ले लिया और पहले दौर के कवर में आ गया। और यहाँ पे सामने एक बंदा दिखा, मैंने स्कोप करके मारने की कोशिश की बट कनेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा एक बंदा हमारे टीममेट को मार रहा था, मैंने उसको सीधा ओम मारा एक, बट मर गया। और उसके पास ऐसे कोई कैरेक्टर था शील्ड वाला, मुझे मैं समझ नहीं पाया कब मारा कैसे मारा, पर मैं जल्दी से जाके उसको पहले फिनिश किया क्योंकि मेरे पास एक शॉर्ट रेंज होना चाहिए और 2v2 का फाइट था। मैं थोड़ा सा गन क्या चेंज कर रहा था कि पीछे से मुझे फायर आया और बंदा मेरे पीछे भागने लगा। मैं सीधा यहाँ से कवर में चला गया क्योंकि कवर होना जरूरी है। बट ये मतलब थोड़ा सा बॉट था, मेरा ओम का मिस हो गया था स्पॉट, बट मैंने यूएमपी से कैसे भी करके डाउन कर दिया। मुझे फुटस्टेप आने लगा दूसरे वाले बंदे का, मैं यहाँ पर मेडिक कर भी नहीं पाया, मैं उसको पहले फिनिश किया क्योंकि दिमित्री है ना, बचा सकता है। तो ये वाला बंदा, ये देखो मैंने यहाँ पर ओरियंट बना और उसको बॉडी मार के फिनिश कर दिया और ये गेम हम लोग ने निकाल दिया। बढ़ते अगले राउंड की ओर। पर अगले राउंड में यहाँ पे मैं जब ये डैम में आया तो सामने एक बंदा था, मैंने सीधा उसको ओम से हेडशॉट मार दिया और मैं उसका फिनिश करने के लिए दौड़ के चला गया। और मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने कुक करके वहाँ पे सीधा फेंक दिया। देखो जब ग्रेनेड पड़ा ना, देखो क्या हुआ, बंदे को डैमेज पर डाउन नहीं हुआ, उसके पास ऐसे शील्ड वाला कैरेक्टर था, तब मैंने देखा हाँ शील्ड वाला कैरेक्टर था, मर गया। तो मैंने जल्दी से फिनिश कर, हमारे टीममेट ने भी ये राउंड को कैसे भी करके निकाल दिया। 2-2 के बाद वाला राउंड हम लोग जीत गए। उसके बाद 3-2 का सिचुएशन है। 3-2 के सिचुएशन वाला इस वाले राउंड में मैं पीछे से घूम के जा रहा था रोटेशन मार के, मेरे साथ एक और टीममेट भी आ रहा था, वो सारे छत के ऊपर चढ़ गया था। मैं सीधा यहाँ पे चला गया क्योंकि हमारा टीममेट ने एक को डाउन दिया था और वो भी कैसे भी करके डाउन हो गया। मुझे छत के ऊपर एक बंदा दिखा, मैंने ओम मारा, उसके बाद एक और मारा, उसके बाद उसका शील्ड ऑन हुआ, थोड़ी देर बाद देखो वो लोग मर जाएगा, ये देखो मर गया। तो मैं यहाँ पे सीधा बाहर चला उसको फिनिश करने के लिए। जब मैंने ग्रेनेड कुक करके फेंका ना, देखो क्या हुआ, मेरा किल तो कंफर्म हो गया, जो बंदा उसको बचाने आया वो भी डाउन हो गया और मैं ऊपर जाके उसको फिनिश करने वाला था क्योंकि वो कैसे भी करके उठ सकता है दिमित्री हुआ तो। तो मैंने उसको फिनिश किया और आखिरी का जो दो बंदे हैं, मैं सोचा मैं एस मार दूंगा, बट वो हो नहीं पाया। देखो जब मैं यहाँ पे कूदा, मेरा ओम का शॉट मिस हो गया। उसके बाद आखिरी वाला शॉट में लगा ही नहीं पाया, देखो लड़की कैसे मूवमेंट कर रही है, गोली नहीं कनेक्ट कर पा रहा था उसको और मेरे टीममेट ने उसको डाउन कर दिया। मैंने उसको फिनिश कर दिया और क्या करूँ, केस तो होने से रहा, बट सामने से एक और बंदा उनका आ रहा था। मैं अंदर जाके मेडिक करने लगा, मैंने बोला भाई तू दोनों मिलके मार दे उसको, मेरा तो केस होने से रहा। तो ये गेम भी हम लोग ने निकाल दिया। तो फिर बढ़ते हैं थर्ड मैच को। थर्ड मैच में यहाँ पर राउंड जब आया, मेरे टीममेट ने 2 को डाउन दे दिया बट उन लोगों ने दिमित्री लग दिया। दिमित्री का ऐसा करेक्टर ना भाई, जीता हुआ गेम को हरा सकता है और हरा हुआ गेम को भी जीता सकता है। तो वहाँ पे देखो आप लोग, एक बंदा था, मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, मैंने सोचा रश दे दो और क्या करूँगा। बट जब रस देने गया तो देखा कि यहाँ पे एक और बंदा, वो भी दिमित्री ऑन करने चला आया। देखो देखो मैंने तो मारने की बहुत सारा कोशिश किया बट मैं मार नहीं पा रहा, हम लोग ने ये राउंड को निकाल दिया अपने हाथ से। उसके नेक्स्ट वाले राउंड में हम लोग ने कैसे भी जीत लिया और 2-2 का स्कोर लेके चले गए। मैं सीधा यहाँ पे छुप छुप के खेलने वाला था क्योंकि उनके पास बहुत सारा दिमित्री था, तो मैं इधर से ऊपर चला आया और मैं नेटवर्क भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने एक को यहाँ पे ऑम मारा और यूपी को स्कोप खोल कर डाउन दे दिया, बट वो ग्लूअर लगा था, बट पता नहीं कैसे मारा। मैंने यहाँ पे भी एक शॉट लगा पर मेरा किल चोरी हो गया, उसका दोस्त उसको बचाने चला गया, देखो दिमित्री लगा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वाले बंदे जो यहाँ पे फाइट कर रहा था वो भी मर गया और हम लोग ने ये वाले राउंड को भी निकाल दिया। 3-2 के बाद जब अगला राउंड चालू हुआ तो मैं यहाँ पे सीधा छत के ऊपर चढ़ गया ओम लेके, क्योंकि मुझे लॉन्ग रेंज से फाइट लेना था। तो मैं यहाँ पे देख रहा था बंदा कहाँ पे है, तो एटलीस्ट मैंने एक
बंदे को स्पॉट किया जो एलशप में था, मैंने उसको ऑम मारा, उसके बाद यहाँ पे आया तो मेरा एक टीममेट मर गया। मैं यहाँ पे ग्रेनेड को करके जब फेंका तो कोई डाउन नहीं और ग्रेनेड हवा में फटा। तो जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ पे एक बंदे का ऊपर मार कर रहा था, जब मैंने उसको मारने का था तो मेरा एक और टीममेट मर गया। तो यहाँ पे एक बंदा था तो देखो मैंने यहाँ से कैसे क्लच को निकाला। मैंने इस गेम में क्वार्टर होने वाला था बट मैंने थर्ड ट्रिपल के लिए आया, बट कोई नहीं, हम लोग ने ये गेम को भी जीत लिया। तो बढ़ते हैं अगले वाले गेम के ओर। राउंड स्टार्ट होने के बाद, तीन राउंड खेलने के बाद हमारा स्कोर होता है 2-1 का। और ये वाले राउंड में सामने वाले घर में चला, तो ये पोचिनोक वाला मैप आया था, तो सामने वाले जो मेन बिल्डिंग होता है उसमें फाइट हो रहा था। मैं यहाँ पे सीधा चढ़ गया वहाँ पे, तो एक मेरा टीममेट को भी मार देता और हम लोग तीन चार सामने दो बंदे थे। यहाँ पे एक ओरियंट है, मैंने ग्रेनेड को कैसे करके फेंका बट देखो क्या हुआ, एक बंदा तो नॉक हुआ और एक जो दूसरा वाला बंदा था मैंने उसके हेड पे फायर करके उसको मार दिया। मैंने ये वाले राउंड को भी निकाल दिया। नेक्स्ट वाला राउंड जब भी स्टार्ट हुआ तो मेरा एक टीममेट पहले ही मर गया, तो मैं यहाँ पे रोटेशन मार के उसको मारने के लिए गया, कहाँ से मारा पर यहाँ मुझे एक बंदा दिखा, मैंने थोड़ा सा डैमेज किया उसका, किल नहीं आया, उसको किसी ने मार दिया। मैंने ग्रेनेड को करके फेंका बट डैमेज नहीं आया क्योंकि उसने दिमित्री भी लगा रखा था। यहाँ पर अचानक सामने एक बंदा आ गया, मैं पहले सोचा क्या करूँ, उसके बाद मैं ओरियंट बना और उसको एक 150 मार दिया और गन स्विच करके मशीन गन से मार दिया। आखिर का एक बंदा बचा था जिसको मेरे टीममेट ने मार दिया और हम लोग ने इस मैच को भुया कर दिया। फिफ्थ वाले मैच में पहला राउंड जब आया मैं डबल पिस्तल लेके सीधा चला गया। इस वाले मैच में एनिमी थोड़ा सा नूबरा टाइप के आए थे, मतलब दो लड़की आए थे और दो लड़का आया था, लड़की लोगों का रैंक थोड़ा सा नीचे था। मैं रस देने गया तो लड़की ने मेरे एक टीममेट को मार दिया। फिर मैं घूम के गया, देखा को वहाँ पे एक बंदा था, मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, उसके बाद सारे टीममेट मार के बट वो दिमित्री की वजह से तीन देखो एक साथ रिवाइव होंगे, देखो दो बंदे रिवाइव हुए। उसके बाद एक बंदा उसमें से एक बंदा ने रश कर दिया, उसको मेरे टीममेट ने मार दिया और मेरा एक टीममेट भी डाउन हो गया। तो आगे देखो मैंने कैसे इस राउंड को निकाला। आखिरी वाला बंदा जो ड्रॉप में था मैंने उसको फुल डैमेज दिया था, मेरा टीममेट ने मार के इस राउंड को निकाल दिया। उसके बाद चार मैचों में मुझे कोई किल भी नहीं मिला। उसके बाद जो राउंड स्टार्ट हुआ मैं यहाँ पे चला आया और सीधा उस वाले छत के ऊपर रस दे दिया क्योंकि मेरे एक टीममेट को वहाँ से मार दिया था। बट अचानक से मेरे एक टीममेट मुझे कॉल देता कि ऊपर एक डाउन है, तो मैं वहाँ पे जल्दी से रश करने चला आया। जब ऊपर है तो ऊपर नजर तो और भी ज़्यादा भयानक था, मैंने एक लड़की को मार दिया और वहाँ पे एक हुकंग था, मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया बट मेरे टीममेट जो आया देखो मैंने उसको बोला दिमित्री लेके जल्दी से मेरे पीछे आ, उसने भी दिमित्री लगाया और इन दोनों का भी फुल डैमेज कर दिया। मैं उस लड़की को दोबारा से मारा, वहाँ पे मैं ओरियंट बन गया। मैंने उसको बोला जल्दी से किल को कन्फर्म कर किसी एक और पुछते पा रहा है क्योंकि वो लोग जल्दी से दिमित्री लेकर आ सकते हैं। देखो एक हुकंग आया, मैंने थोड़ा सा बॉडी भरा उसको, उसके बाद थोड़ा भी डाउन कर दिया, मेरा टीममेट अपना दिमित्री से उठ गया। आखिर का जो बंदा था मेरे पास उसका लोकेशन नहीं था बट मेरा एक टीममेट बोल रहा था वो नीचे तू लोग पूरा हिल होकर आ जा, तो मुझे लोकेशन नहीं दिख रहा था तो मैं कवर में ही रह रहा था। बट अचानक से मुझे बाद में वो बंदा दिखा उधर आ रहा, मैंने उसको एक ऑम मारा, उसके बाद मारा। हमने जैसे जैसे करके इस गेम को भुया कर दिया और बढ़ते हैं अगले वाले मैच की ओर। अगले वाले मैच में 1-0 का स्कोर हो गया था मेरे पास, तक क्या गणेश का नाम मुझे पता नहीं, G36 करके नाम है। मैं यहाँ से ये वाले राउंड में जैसे घूम के जाता था रोटेशन मार के, तो उनके पास एक लोकेशन वाला कैरेक्टर था तो मुझे लगा मेरा लोकेशन मिल जाएगा तो वो मार सकते, तो मेरे दो टीममेट को उन्होंने मार दिया। तो मैंने यहाँ पे स्कोप खोल के एक बंदे को फुल डैमेज किया और वो डाउन हो गया। तो मैंने उसको पहले फिनिश किया, उसके बाद कवर में जाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर मैं सीधा दौड़ के जब जा रहा था तो मुझे एक बंदा दिखा, मैंने उसको बॉडी भर के पूरा फिनिश कर दिया और मैंने मेरा किल को पहले कंफर्म किया क्योंकि मेरे टीममेट डाउन थे तो उनको रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये बंदा भी बचा सकता था। मुझे ये हुकंग ने मार दिया पर मेरे टीममेट ने बोला कोई बात नहीं मैं मार सकता हूँ।
तो गाइस मैं आपको गेम को छोड़कर एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और आप लोग चैनल में पहली बार, चैनल को प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर से जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगले वाले मैच को। अगले वाले मैच में मेरे पास एमपी है और मैं यहाँ पे कवर में छुप छुप के रह रहा था, क्योंकि उनके पास लोकेशन वाला कैरेक्टर था और एनिमी भी छुप छुप के मार रहा था। वहाँ पे डैम में बैठ बैठ के थोड़ा सा क्राउच करके वहाँ से मेरे को डैमेज आ रहा था, बट ग्रेनेड भी आया फटाफट में, डाउन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा। और मेरे टीममेट जब एक को डाउन दिया जब तब बोला जल्द से रश कर, तो यहाँ पे एक बंदा बचा दिया। देखो उसके ऊपर थीबा था शायद, मैंने उसको भी डाउन किया, उसके टीममेट को भी मार दिया। और बाजू में एक बंदा था, मैं दोबारा से ओरियंट बना उसका, थोड़ा सा एज पी मतलब था। उसके बाद देखो मैंने ट्रिपल किल मार दिया बट बहुत कम डैमेज में, तो ये गेम भी हम लोग ने निकाल दिया। इस बार राउंड में एनिमी का एक टीममेट वहाँ पीछे से ओम से उनका कवर दे रहा था। देखो वहाँ पे छुप के बैठा, तो मेरे पास भी ओम है, मैंने 156 का डैमेज दिया। उसके बाद वो कवर से हट नहीं रहा था क्योंकि मैं 3 राउंड से ओम चला रहा था उनके सामने। देखो एक और शॉट लगा और आखिरी शॉट एक कनेक्ट कर दिया, वो बंदा डाउन हो गया। वो मेरे को सिर्फ एक शॉट मारा, मैंने उसके सामने से 3 शॉट उनको मार दिया। तो मैं यहाँ पे सीधा चलाया कवर में और सामने एक और बंदा था, तो मैंने यहाँ पे के फेंका बट डैमेज नहीं आया ग्रेनेड से। और सामने वाला बंदा ने मेरे को 150 मार दिया, 76 डैमेज है। बट एक हुकोंग है, हुकोंग को भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ पहला वाला शॉट, और वहाँ पे मेरा एक और टीममेट भी डाउन हो गया। मैंने इस बार एक शॉट कनेक्ट कर दिया और मेरे टीममेट को बोला अब रश कर भाई। तो मैंने यहाँ पे 2 किल उठा लिए और मेरा ट्रिपल किल आ गया इस वाले राउंड में। तो मैंने 1 अगस्त में खेल के कितना स्टार्ट किया, 11 स्टार्ट कर लिया, डायमंड 4 से 11 स्टार्ट।